दोस्तों आज का वीडियो एग्रीकल्चर का यूनिट ट्रेड एवं गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में जानेंगे, जिसमें 1/4/2022 से इफेक्टिव के बारे में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल मनी टेक इन्फो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो से पहले डोमेस्टिक कॉमर्शियल कंज्यूमर का नी यूनिट रेट, गवर्नमेंट सब्सिडी, यूनिट कंजम्पशन लिमिट इत्यादि के बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देखें। इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे क्लिक कर डायरेक्ट देख सकते हैं। एग्रीकल्चर, दोस्तों एग्रीकल्चर कनेक्शन में दो सब कैटेगरी में बटा गया है, IS-1 एवं IS-2। दोनों सब कैटेगरी का यूनिट रेट 5 रुपया पर KWH है एवं फिक्स चार्ज 20 रुपया पर HP पर मंथ है, लेकिन दोनों का गवर्नमेंट सब्सिडी में अंतर है, जो इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। IS-1 कैटेगरी में यूनिट रेट 5 रुपया पर KWH है, जिसमें 4.30 रुपया पर KWH के अनुसार गवर्नमेंट सब्सिडी दी जा रही है, जिसके कारण आपको एक्चुअल यूनिट रेट 70 पैसे पर KWH पड़ेगा और फिक्स चार्ज 20 रुपया पर HP लगेगी। अगर आपका मोटर कनेक्शन में मीटर नहीं लगा है तो 400 रुपया पर HP पर मंथ फिक्स चार्ज के अगेंस्ट में है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी 275 रुपया पर HP पर मंथ मिलने के कारण 125 रुपया पर HP पर मंथ फिक्स चार्ज पड़ेगा, जो 1 मंथ का चार्ज हो जाएगी। इसी प्रकार IS-2 मीटर कंज्यूमर का यूनिट रेट 5 रुपया पर KWH है, गवर्नमेंट सब्सिडी 3.80 रुपया पर KWH मिलने के कारण एक्चुअल यूनिट रेट 1.20 रुपया पर KWH होगी। इन सभी यूनिट रेट को देखने से पता चल रहा है कि सभी कैटेगरी के अपेक्षा एग्रीकल्चर कनेक्शन का यूनिट रेट में काफ़ी कम है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोटर यूज करते हैं, उसका कनेक्शन आपके द्वारा नहीं ली गई है, इतना कम यूनिट रेट होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कनेक्शन करा लीजिए। इस कनेक्शन के अगेंस्ट में बहुत ही कम पैसा लगेगा। अगर विभाग के द्वारा रेड में पकड़े जाते हैं तो बहुत ही अधिक पेनाल्टी लिया जाता है। दोस्तों अब अनमीटर कंज्यूमर IS-2 का फिक्स चार्ज 400 रुपया पर HP पर मंथ है। अगर विभाग के द्वारा इस कैटेगरी का अनमीटर में गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दिया गया है, जिसके कारण आपका 400 रुपया पर HP पर मंथ पेड करना होगा। इसे देखने से पता चलता है मीटर में ही कंज्यूमर का बेनिफिट है। अगर मीटर नहीं लगा है तो मीटर लगा लें, जिससे IS-2 कंज्यूमर को गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट ले सके। दोस्तों आप लोग एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल से जान गए होंगे। अगर आपको बेनिफिट मिली होगी तो प्लीज़ इस चैनल मनी टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर दें। जब भी इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।